मुजफ्फरपुर के बागमती नदी किनारे निवास करने वाले लोग एक बार फिर से एकजुट होने लगे हैं। उन्होंने तय किया है कि वे किसी भी सूरत में अपने इलाके में बागमती नदी पर तटबंध नहीं बनाने देंगे। इसके लिए मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट और बेनीबाद इलाके में लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि इस इलाके को बाढ़ से बचाने के लिए बागमती नदी के शेष बचे इलाके पर तटबंध बना लेना जरूरी हो गया है। बेनीबाद खादी भंडार परिसर में बागमती बांध के निर्माण कार्य के विरोध में चास वास जीवन बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले एक दिवसीय बैठक हुई। लोगों ने कहा कि बागमती बांध परियोजना की ओर से बिना भूमि अधिग्रहण और विस्थापित लोगों का पुनर्वास किए ही बांध निर्माण का काम नहीं होना चाहिए। बागमती मोर्चा की बैठक पूर्व विधायक प्रत्याशी सत्यनारायण मंडल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मोर्चा के संयोजक भाकपा माले नेता जितेंद्र यादव ने बागमती बांध को विनाशकारी बताते हुए कहा कि बागमती बांध परियोजना का रिव्यू होना चाहिए। पूरे इलाके को यह बांध बर्बाद कर देगी, जहां न खेती होगी और न लोग चैन से रह पाएंगे। उसके बाद आप सब लोग जानते हैं कि बागमती नदी पर 60 के दशक में ही बागमती तटबंध परियोजना प्रस्तावित था। इस परियोजना के खिलाफ हम लोग 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और इसको रिव्यू के लिए सरकार रिव्यू कमेटी बना रही है, लेकिन रिव्यू कमेटी को ठंडे बस्ते में डाल करके ठेकेदार लॉबी के दबाव में आके सरकार पुनः टेंडर शुरू कर दिया। अब ठेकेदार यहाँ पे काम कराने आते हैं तो यहाँ की जनता जबरदस्त प्रतिरोध कर रहा है, संघर्ष कर रहा है और उस आंदोलन का हम लोग नेतृत्व कर रहे हैं। हम लोग का मांग है सरकार रिव्यू कमेटी से परियोजना को रिव्यू करा दे। हम लोग भी चाहते हैं कि बाढ़ का निदान हो। हम लोग कह रहे हैं कि जो पानी हिमालय से आती है उस पानी को निकलने का नीचे रास्ते दे, जैसे शांति नदी को खोले, पचपुटिया को खोले और समस्तीपुर दरभंगा जो रेल। आप सब लोग जानते हैं कि बागमती नदी पर 60 के दशक में ही बागमती तटबंध परियोजना प्रस्तावित था। इस परियोजना के खिलाफ हम लोग 10 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और इसको रिव्यू के लिए सरकार रिव्यू कमेटी बना रही है।